चकई ने तो लोगों को, वो तो लोगों को लूटने वाला था, वो लोगों का लुटेरा था, वो लोगों को लूटता था, परंतु हम में से बहुत से लोग किसको लूट रहे हैं? परमेश्वर को लूट रहे हैं, परमेश्वर के लुटेरे हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात करेंगे गवाही के विषय में। पिछले संदेश में हमने गवाही के विषय में सुना था कि हमारी गवाही किसके लिए होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए या मनुष्यों के लिए होनी चाहिए। परंतु आज हम सीखेंगे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में हमारी गवाही क्या है। इस गवाही के विषय में जो है हम सीखेंगे। हमने अपनी गवाही कलीसिया के लोगों के सामने या प्रार्थना सभाओं के सामने आपने बहुत से लोगों की गवाही सुनी होगी या आपने स्वयं उन गवाहियों को दी होगी। और वो गवाही क्या है कि हम जो भी पाप या गलतियां या बुराई करते हैं वे लोगों के सामने मान लेते हैं कि हमने ये करा, हमने वो करा, हम व्यभिचारी थे, हम शराबी थे, हम गाली गलौज करते थे, हम क्रोधी थे, हमारा स्वभाव ऐसा था, हम ये सब कुछ, यानी हम अपने पापों को क्या है लोगों के सामने स्वीकार कर रहे हैं कि हमने ये गलतियां करी थी और अब हम ये गलतियां, ये बुराइयों को, इन पापों को क्या कर रहे हैं, हम छोड़ दे रहे हैं, हमने छोड़ दिया है। और ये हमारी गवाही होती है। परंतु हमारी गवाही जो है दो लोगों के सामने होनी चाहिए, सबके सामने नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपनी गवाही जो है सबके सामने देते हैं और ये गवाही जो है ये गवाही नहीं होती है, ये पापों को मान लेना, अंगीकार करना, पश्चाताप करना होता है। मैं पिछले संदेश में भी कह चुका हूं ये गवाही नहीं है, बल्कि गवाही का जो कारण है, जो गवाही होनी चाहिए, वो पिछले संदेश में अगर आपने सुना होगा मैं बता चुका हूं। परंतु यहां परमेश्वर की दृष्टि में अब जो हम पश्चाताप कर रहे हैं या जो बात हम अपनी गलतियों को लोगों के सामने मान रहे हैं वो दो लोगों के सामने माननी चाहिए, किसी और के सामने नहीं माननी चाहिए। अब वो दो लोग कौन है? सबसे पहला, परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेना चाहिए। सबसे पहली बात, पहला नंबर किसका आता है? परमेश्वर का आता है कि हम अपनी गलतियों को, हम अपने पापों को, हम अपनी बुराइयों को, हम अपने सारे बुरे कामों को परमेश्वर के समक्ष रखें, परमेश्वर के सामने मान ले और उसको छोड़ दे। और ये बात परमेश्वर का वचन स्वयं इस बात को कहता भी है। और क्या कहता है? आप यशाया 1 उसका 18वां पद पढ़ें। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गमनी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। जी हाँ, देखिए बात क्या है, बात सीधी सी बात है कि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। हम लोगों के सामने अपने पापों का बखान करेंगे, वो हमारे पापों को क्षमा करने वाले कोई नहीं होते, ना तो कोई पादरी होता है, ना कोई बिशप होता है, ना कोई पोप होता है, और ना ही कोई मनुष्य होता है, ना ही कोई कलीसिया का लोग होता है, ना धार्मिक लोग होते हैं। दो लोग हमारे पापों को क्षमा करते हैं। कौन लोग? पहला परमेश्वर। जब हम अपने पापों को, अपने गुनाहों को उसके पास ले जाते हैं और कहते हैं, प्रभु हमने ये गलतियां की हैं और अब तक हम ये गलतियां करके आए हैं, करते हुए आए हैं, तो हमें क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर। ये पश्चाताप होता है। जब इस तरीके से हम परमेश्वर के आगे अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है, और हमें जो है पवित्रता की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है, हमें पवित्र करता है, हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करता है उस उड़ाऊ पुत्र के समान, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है कि हमें उन लोगों के सामने अपने पापों को मान लेना चाहिए जिन लोगों के विरोध में हमने पाप किया है। मान लीजिए अगर मैंने आपके किसी भाई या किसी बहन के विरोध में पाप किया है, उसके लिए बुरा सोचा है, उसके लिए बुरा किया है, उसको गाली गलौज करी है, उसको मारा पीटा है, या जो भी उसके बारे में करा है, उससे जाकर जो है हम क्या करें कि बहन हमें माफ कर दे, हमने तेरे विरोध में ये बातें कही, ये झूठ बोला, ये ऐसा करा, या उस भाई के सामने कहे कि भाई हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके बारे में ऐसा सब झूठ बोला है। वो चाहे आपकी कलीसिया का हो,
चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो आपका नातेदार रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके परिवार का कोई भी सदस्य क्यों ना हो, जिसके विरोध में आपने पाप करा है उससे जाके क्षमा मांगना है, उससे जाके अपने पापों को जो है अपने पाप को स्वीकार करना है। ये बात मैं आपको परमेश्वर के वचन से ही पढ़ाना चाहूंगा। यहां लिखा हुआ है याकूब 5 अध्याय और उसके 16 पद में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। अगर आपके दिल में आता है कि मैं अपने पापों को उसके सामने मान लूं, उसके विरोध में मैंने गलती की है, वो माने या ना माने, या मान लीजिए उसने पाप नहीं किया, तब भी आपको जाकर अपने पाप को मान लेना है कि बहन या भाई ये मुझसे गलती हुई है। वो भी अपनी गलती मानेगा, अगर वो पश्चाताप करेगा, वो भी अगर प्रभु से क्षमा प्राप्त करना चाहेगा तो वो भी अपनी गलती मानेगा, मगर आपको माननी चाहिए। क्या लिखा हुआ है मरकुस 11 उसका 25 और 26 पद में क्या लिखा हुआ है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। अब क्या है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैंने उस भाई के विरोध में पाप किया है, प्रभु मैंने उस बहन के विरोध में पाप किया है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, तू मुझे माफ कर दे। प्रभु आपने प्रभु के सामने अपने पाप का अंगीकार कर लिया, मगर अब आपको जैसे याकूब की पत्री में लिखा, उस भाई के सामने, उस बहन के सामने जाकर अपने पापों को मानना है और उससे क्षमा याचना करनी है। ये उसके पास जाके कहना जरूरी है, क्योंकि यही तो पश्चाताप होता है। आपने प्रार्थना घर में बैठ के कर ली, आपने घर कलीसिया में खड़े होकर अंगीकार कर लिया, मैं पापी था, मैं ये था, मैं वो था, मैं फलाना था, मैं उस बहन को मैंने ये करा, उस भाई को ऐसा करा, और मैं बहुत क्रोधी था, मैं लड़ाई झगड़ा करता, अरे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करी, किसी को गाली करी है, किसी पे दोष लगाया है, वो जाके आप उसको उससे माफी मांगे ना, जब तक आपको उससे क्षमा नहीं मिलेगी तो प्रभु कैसे क्षमा करेगा, क्योंकि आप तो गए नहीं उसके पास। फिर आप कहते हो कि साहब हम तो गवाही दे रहे हैं, ये कैसी गवाही होती है, ये कोई गवाही नहीं होती है। और इसलिए मत्ती 5 अध्याय उसके 23 और 24 पद में भी क्या कहता है परमेश्वर का वचन, यहां पर बड़े अच्छे से इन चीजों को हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन जो है वह हमसे क्या बातचीत करता है। देखिए यहां लिखा हुआ है मत्ती 5 अध्याय और उसका 23 और 24 पद में, यहां पर पढ़ रहा हूं, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। अब यहां पर क्या है, देखिए हम कोई भी भेंट लेकर आते हैं या कोई भी चीज हमारा दान जाता है या हम अपना दशमांश दे रहे हैं या हम अपने जीवन को सौंप रहे हैं, हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, उसे चढ़ा रहे हैं, तो पहले आप अपने भाई के विरोध में, जो भी भाई हो, चाहे वो भाई आपका नातेदार रिश्तेदार हो, चाहे वो भाई पड़ोसी हो, चाहे वो आपका कोई भी आपके साथ काम करने वाला हो, आपके समाज में रहने वाला हो, कलीसिया का हो, कोई भी हो, अगर उसके विरोध में पहले उससे जाके क्षमा प्राप्त करनी है, पहले उससे जाके क्षमा मांगनी है, तब उस धार्मिक क्रिया को जब आप करेंगे तब वो प्रभु जो है उस धार्मिक क्रिया को जो है वो पूरा करेगा। यही गवाही होती है, यही जो है यही गवाही होती है। यह गवाही नहीं होती है कि आपने खड़े होकर बोल दिया मैं लड़ाई झगड़ा करने वाला था, मैं क्रोधी था, मैं गाली देता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, आप सोच रहे गवाही, ये गवाही नहीं है, और ये गवाही कहीं से कहीं तक होती नहीं है, ये प्रभु के लिए कोई गवाही नहीं है। गवाही आपके जीवन में बनती है तब कि हाँ सच में ये जो प्रभु को इसने अपना जीवन समर्पित किया है ये सुधर गया है, और क्योंकि इसने उससे जाके अपने आप पहल करके अपने ईगो को खत्म करके इसने उससे माफी मांगी है जिसके विरोध में इसने पाप किया है। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूंगा, उस व्यक्ति का नाम है जकई। उस जकई के बारे में आपसे बातचीत करना चाहूंगा, जकई के बारे में जब आप पढ़ेंगे लूका 19 अध्याय 1 से 10 पद क्या था, जकई चुंगी लेने वाला था और उसने बहुतों को ठगा था, बहुतों को लूटा था उसने, परंतु
एक दिन वो बस उसने जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना तो बहुत रखा था, परंतु वो उसको देखना चाहता था। और देखने के लिए सारी कहानी आप जानते हैं कि वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, प्रभु ने उससे कहा जकई नीचे उतर, मुझे आज तेरे घर में रहना है, तेरे साथ भोजन करना है। जकई खुश हो गया और खुश होकर वो चला गया। जब प्रभु के साथ वो गया तो उसका मन परिवर्तन हो गया। देखिए इसको कहते उसका मन परिवर्तन हो गया। उसने किसी के सामने ये नहीं कहा कि मैं बुरा था, मैं ऐसा था, मैं फलाना था, मैं धिमाका था। उसका मन अपने आप बदल गया। और वो क्या कहता है प्रभु से, लूका 19 का 8, जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूं। अब यहां क्या कह रहा है, अब उससे जो था उससे किस बात की दया आ गई कि कंगालों को, उसने हो सकता है जिनके पास पैसा ना हो, बहुत गरीब या बहुत परेशानी में हो, उनको भी लूट लिया हो। कह रहा मैं उनको अपनी आधी संपत्ति, देखिए जितनी खरीदी थी उसने, अब उसे संपत्ति से कोई लगाव नहीं रहा। अब पहले उसे पैसे से लगाव था, इससे भी लेना उससे भी लेना, अब उसे संपत्ति से कोई लगाव नहीं है। अब वो कह रहा मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। और क्या कहता है, और जिसका जो लिया है अन्याय करके उसका चौगना लौटा देता हूं। जब पश्चाताप आप करते हैं, जब आपके जीवन में एक गहरा पश्चाताप आता है, वही पश्चाताप आपकी गवाही बन जाता है। जब उसने लोगों को लौटाया जिसको उसने लूटा था, वो भी चौगना लौटाया, तब जो वो लौटाने जा रहा है, लौटा रहा है जब वो उन लोगों को, तो लोग कह रहे हैं सच में वो गवाही दे रहे हैं उसके जीवन को बदलने की, सच में ये जकई बदल गया। लोग गवाही दे रहे हैं कि सच में वो जकई जो है बदल गया। मैं उसने मुझसे 100 रुपए लूटे थे, 400 रुपए देकर गया है वो मुझे, 400 रुपए देकर दे गया। मगर अगर आप लूटते रहेंगे और आप क्या कहते हैं मन बदल कर आप उस लूट का हिस्सा जो भी आपने लूटा उनका लौटाएंगे नहीं, तो प्रभु आपको 7 गुना आपको लुटवा देगा, 7 गुना आपको भरना पड़ेगा, 7 गुना देना पड़ेगा। एक सच्चा पश्चाताप आपको बचाता है। जब आप एक सच्चा पश्चाताप करते हैं तो वो सच्चा पश्चाताप जो है वो लोग देखते हैं, क्योंकि लोग क्या देख रहे हैं, वो उस पश्चाताप के द्वारा जो है वो कार्य देख रहे हैं। और जो आपके जीवन में प्रभु को लेकर और उन सारी बातों को लेकर जो कार्य धार्मिकता के कार्य हो रहे हैं, उस धार्मिकता के कार्य को, उस पवित्रता के कार्य को देखकर लोगों के जीवन में आपकी गवाही जा रही है कि सच में इसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। और जकई के जीवन में जो थी यही बात थी। अब आप कहोगे नहीं साहब, हमने किसी को लूटा थोड़ी है। अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपने नहीं लूटा। चलिए ये वाली बात भी हम पढ़ लेते हैं, मलाकी 3 अध्याय उसका 8 से 10 पद तक पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा यहां क्या लिखा है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में, किसमें? दशमांश और उठाने की भेंट यानी ऑफरिंग में और दशमांश में क्या करा तुमने मुझे लूटा है। और क्या लिखा है, कौन कौन लूटता है जरा ध्यान दीजिएगा, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। क्या आप सारी जाति में नहीं आते हैं? क्या ये परमेश्वर का वचन झूठ बोल रहा है कि तुमने मुझे लूटा है? अब जकई ने तो लोगों को, वो तो लोगों को लूटने वाला था, वो लोगों का लुटेरा था, वो लोगों को लूटता था, परंतु हम में से बहुत से लोग किसको लूट रहे हैं? परमेश्वर को लूट रहे हैं, परमेश्वर के लुटेरे हैं। अभी मेरा संदेश जो है दशमांश के ऊपर भी आने वाला है, बहुत से लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है, दशमांश पे भी कई उसके भाग होंगे। उन दशमांश को जरा जब वो वीडियो बनेगा उसको जरूर देखिएगा, उस दशमांश के विषय में कि कैसे परमेश्वर को लूटते हैं। वह यहाँ लिखा वरन सारी जाति ऐसा करती है, बहुत से ऐसे चीजें होंगी। और फिर 10वें पद में क्या लिखा हुआ है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं दशमांश के विषय में यहां बात नहीं कर रहा हूं, यहां बात कर रहा हूं लूटने के विषय में कि साहब हम थोड़ी लूटते हैं, बहुत सी ऑफरिंग्स हैं, बहुत सी चीजें हैं, कंगालों को क्या दे रहे हैं आप?
जकई ने आधी संपत्ति दे दी, हम कितनी संपत्ति कंगालों को दे रहे हैं? हम कितना उन कंगालों को, उन गरीब मतासे अनाथ और बेसारा बच्चे और विधवाओं के लिए कितना कर रहे हैं? ना प्रभु, हमें दे, बस हम लक्जरी जीवन जीना चाहते हैं। हमारे पास आलीशान बंगले हैं, कोटियां हैं, गाड़ियां हैं, परंतु जो है इस बारे में जकई ने सोचा और जकई का जीवन सच में बदला था, परमेश्वर का वचन कहता है। और फिर वो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, लूका 19:9-10 पद है, तब यीशु ने उससे कहा, अब ध्यान दीजिएगा, आप देखिए यीशु मसीह गवाही दे रहा है किसकी, जकई के जीवन की। अब जकई के जीवन की यीशु मसीह को स्वयं गवाही देनी पड़े, क्यों? क्योंकि उसने उसके जीवन को बदलते हुए देखा। उसने ये नहीं कहा मैं पापी था, मैंने ये लूटा है, मैंने वो करा, मैंने फलाना करा, मैंने धमाका करा, मैंने गाली दी, मैं क्रोध करा, मैं शराबी था, मैं नशे में था, मैं ये था, मैं वो था, कुछ नहीं। बस उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आधी संपत्ति जो है वो कंगालों को दे देता हूं और जिसका मैंने लूटा है उसका चौगुना लौटा है, बस इतना कहा उसने। और प्रभु क्या कह रहा, आप प्रभु यीशु मसीह की गवाही देखिए, वो लोगों को उसकी गवाही दे रहा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुए को ढूंढने, मिल गया प्रभु को। कोई चर्च में जाके उसने गवाही नहीं दी, कोई पादरी किसी पादरी ने उसको नहीं बचाया, किसी पादरी एक के समक्ष गवाही नहीं दी, वो वीडियो पे वीडियो बनाकर उसने कोई यूट्यूब पर या वो नहीं डाली, क्योंकि उस समय यूट्यूब वगैरह थे भी नहीं, कुछ ना डाली, प्रभु ने बचाया और प्रभु उसकी बचाव की गवाही देता है। फिर परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील आप निकाल सकते हैं मेरे साथ, यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय, बड़ा ध्यान देने की बात है, परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखाता है, और उसका 28-30 पद तक पढ़ रहा हूं। यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तब अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां हम सामरी स्त्री की बात कर रहे हैं। अब एक सामरी स्त्री जो जल भरने कुएं पे गई थी और यीशु मसीह वहीं बैठा हुआ था, यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा और उसने कहा मुझे पानी पिला, तो वो कहने लगी तू यहूदी होकर जो है तू मुझसे पानी मांगता है। तो उसने उस स्त्री के बारे में सब कुछ बता दिया कि जा अपने पति को बुला ला कि मैं बिना पति की हूं, हाँ तू 5 पति कर चुकी है। अब वो एक पापिन स्त्री थी, करप्ट स्त्री थी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, तब होता क्या है, यूहन्ना 4:28-30 पद तक, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो कुछ मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। अब एक पापी स्त्री बड़ी उत्साह के साथ अपना घड़ा सब कुछ वहीं छोड़कर कहां चली गई, नगर में चली गई, जिस जगह पर वो रहती थी, और चिल्ला चिल्ला कर वो लोगों को इकट्ठा करने लगी कि आओ चलो उस व्यक्ति को देखो। और क्या कह रही है, वो कहता है कि आओ कि जो कुछ मैंने किया वो सब उसने बता दिया। यानी उसको अपना पाप बताने की जरूरत नहीं पड़ी, पाप के वो लोग जानते थे, क्योंकि जिस जगह वो रहती थी वो जानते थे वो स्त्री कैसी है। हम भी जिस जगह रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिन नातेदार रिश्तेदारों के बीच में रहते हैं, वो हमारे करैक्टर को अच्छे से जानते हैं, परंतु क्या वह हमारे बुलाने से आएंगे? मगर इस स्त्री के बुलाने से गए, क्यों? उसका बुलाने का उसका जो गवाही देने का अंदाज था वो बिल्कुल अलग था। वो गवाही क्या दे रही है, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? अब देखिए मसीह होने का इंतजार, वो क्या किसकी गवाही दे रही है, वो अपने जीवन की गवाही नहीं दे रही, अपने जीवन के बदलने की गवाही नहीं दे रही, बोली जो कुछ मैंने किया वो सब कुछ उसने बता दिया, कहीं ये मसीह तो नहीं है? जैसे उसने उसकी मसीह की गवाही दी तो लिखा है, अतः वे नगर से निकल कर उसके पास आने लगे। वो नगर से निकल कर जो थे उसके पास आने लगे और सबने उसे देखा। अब होता क्या है, इसी का यूहन्ना 4:39-42 पद तक, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया,
इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहां रहे। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। अब वो लोग क्या कह रहे हैं, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते हैं, हमने खुद जान लिया है। मगर बुलाया किसने, गवाही किसने दी? उस स्त्री ने दी, उस पापिन स्त्री ने दी। किसकी? यीशु मसीह की गवाही दी। हम किसकी गवाही दे रहे हैं? हम किसके बारे में बता रहे हैं? हम तो साफ कह रहे हैं, हम पापी थे, हम ये थे, हम पियक्कड़ थे, हम व्यभिचारी थे, हम ये सारी चीज। हम किसके बारे में? ये पादरी साहब ने बचा लिया हमें, इन पादरी साहब ने दुआ करी, इन पादरी साहब के वचन हमारे जहन में उतर गए, इन पादरी साहब के वचन ऐसे थे, इन पादरी साहब ने हमें वचन बताया, इन पादरी साहब के वचन से। अरे वचन तो प्रभु यीशु मसीह का है, पादरी साहब का कहां से वचन आ गया? और ये स्त्री, इस स्त्री ने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी और जाने कितने गांव के लोगों को बचा लिया। हमारी गवाही से कितने लोग बचते हैं? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं दे रहे हैं, हम तो अपनी महिमा कर रहे हैं, हम तो पादरी की महिमा कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा करवा रहे हैं, पादरी की प्रशंसा करवा रहे हैं, और क्या करें, हम तो प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही दे रहे हैं। ये होती है गवाही। और ऐसी ही एक गवाही जो थी, जब आप राहब वेश्या के बारे में पढ़ेंगे तो राहब वेश्या के बारे में भी लिखा हुआ है कि राहब वेश्या ने क्या करा, प्रभु के लोगों को बचाया और क्या गवाही दी प्रभु के लोगों के सामने, कि मुझे पता है कि तुम्हारा प्रभु इस येरो नगर को तुम्हारे हाथ में कर देगा, परंतु जब तुम जो हो यहां पर आओ और इस नगर को जीत लो तो मुझे और मेरे घराने को बचा लेना। ध्यान दीजिएगा, मुझे और मेरे घराने को बचा लेना। वो जो है वो उस बात की, वो कहे ठीक है, जिस लाल डोरी से तूने जो खिड़की पे बांधी रखी है, हमें नीचे उतारा है, हमें बचाया है, ये लाल डोरी वैसी बंधी रहनी चाहिए। वो लाल डोरी जब येरो नगर के, जब येरो नगर को जीता गया, जब परमेश्वर के लोगों ने येरो नगर को जीता, तो वो लाल डोरी उसके जीवन की गवाही थी, उस परिवार की गवाही थी, उस छत के नीचे जितने थे उन लोगों के बचने की गवाही थी। हम क्या कर रहे हैं? हमारे लिए भी तो लाल डोरी बांधी गई। वो कौन सी लाल डोरी थी? वो कलवरी से लाल डोरी, जो लहू यीशु मसीह के लहू की लाल डोरी थी, वो हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हमारे परिवार के लोग हम बच ही नहीं रहे हैं, हम अपने परिवार के लोगों को बचा नहीं रहे हैं, हम अपने गांव के लोगों को बचा नहीं रहे हैं, हम अपने शहर के लोगों को बचा नहीं रहे हैं, बस अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। बस हम बच गए, हम धार्मिक हो गए, हम पवित्र हो गए, बस हो गए, क्योंकि हमारी गवाही दूसरे लोगों तक पहुंच गई है, अब हम धार्मिक हो गए हैं, कोई बचे ना बचे हमारी बला से। परमेश्वर का वचन कहता है कि झपट कर उनको आग में से खींच लो, जो नरक की आग में जा रहे हैं, परिवार के लोग हो, समाज के लोग हो, कोई भी हो। वो होती है गवाही, कि हमारी गवाही के द्वारा जो है लोग बचाए जाए, लोगों का जीवन बचे, इसको गवाही कहते हैं। इसको गवाही नहीं कहते हैं कि चर्च में खड़े होकर आपने सुना दी, वीडियो बना दी, यूट्यूब पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, और जने कहां कहां डाल दिया, हो गए गवाह, हो गए कहीं से कहीं तक गवाह नहीं हुए, सीधे नरक के भागीदार हो गए, क्योंकि आपने अपनी प्रशंसा करी और अपने पादरी की करी है, प्रभु की प्रशंसा नहीं हुई और आपकी गवाही के द्वारा लोग बचाए नहीं गए, इसलिए आप गलत हो गए, आपकी गवाही गलत हो गई। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपनी गवाही को ठीक करें, हमारी गवाही के द्वारा दूसरे बचने चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।